Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़। मथुरा से मुकेश कौशिक की स्पेशल रिपोर्ट। दबंगों द्वारा युवक को गोली मारकर किया घायल। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा थाना रिफाइनरी क्षेत्र के टाउनशिप स्थित ओमकारेश्वर कॉलोनी के समीप उस समय हड़कंप मच गया जब दबंग युवकों द्वारा एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया और आसानी से घटना को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रिफाइनरी क्षेत्र के टाउनशिप कॉलोनी के रहने वाले अमन नामक युवक का कुछ युवकों से विवाद हो गया। उक्त मामले को लेकर अमन के परिजन द्वारा थाना रिफाइनरी में शिकायत दर्ज करा दी गई, लेकिन उक्त दबंग युवकों को शिकायत दर्ज होने की बात जैसे ही पता चली, उक्त दबंग लोग अमन व उसके परिवार को फोन पर राजनामा करने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकियां देते रहे। अमन अपने दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर कॉलोनी से होते हुए घर को ही जा रहा था कि तभी धमकी देने वाले उक्त युवकों ने अमन व उसके साथियों को घेर लिया और अमन के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, उक्त दबंग युवकों द्वारा अमन के सीने में गोली मार दी गई जिसने अमन पूरी तरह घायल हो गया। क्षेत्र में हुई गोलीकांड की सूचना पाते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस द्वारा घायल युवक को गंभीर अवस्था में इलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि बुधवार को सुबह करीब 10 बजे के करीब कुछ युवक द्वारा घायल अमन के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज होने के बाद उक्त दबंग लोग बौखला गए और अपनी भड़ास निकालने के लिए अमन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देने शुरू कर दिया है। अंतर्गत ओमकारेश्वर कॉलोनी के कॉर्नर पर आज सायं 6:15 बजे दो पक्षों में आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है। इसमें नामित अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ये घटना सुबह 6 बजे की है। क्या घटना है? लड़ाई का मैटर था, विवाद ऐसा था। तो एक लड़का है अमन नाम का, और सुबह 11 बजे कुछ लड़के उसको आके मार देते हैं, मारपीट करते हैं उसके साथ, ये। और फिर क्या बोलते हैं, FIR करवा दी थी उसकी, ठीक है। FIR कराने के बाद जिससे लड़ाई हुई थी उसके धमकी के फ़ोन आ रहे थे कि FIR वापस ले लो वरना फिर मारेंगे। जनपद मथुरा में सन 1983 में सिंडिकेट बैंक मानागढ़ी के मैनेजर के साथ मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित हुई थी और उसी समय इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके दो मुख्य अभियुक्तों को अरेस्ट करके और मोटरसाइकिल रिकवर करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आज इस घटना में संलिप्त तीसरा अभियुक्त रघुनाथ पुत्र लाखन निवासी अलीगढ़, जो कि 20,000 का इनामिया भी है, 37 साल बाद उसको अरेस्ट करके गोवर्धन पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।